हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सेल की जो चार्ट्स है उसको पीपीटी की स्लाइड पे कैसे लेके जाएंगे। जी हाँ, पीपीटी की स्लाइड पे आप कैसे लेके जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि मेरे सिस्टम पे चार्ट पड़ा हुआ है और मैंने ये माइक्रो लिखा हुआ है, तो मैं इस पीपीटी माइक्रो को रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल क्रिएट होगी और फिर इसको उस पे डाल के पेस्ट कर देगी। अगर मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा स्लाइड है तो उतने ही स्लाइड को क्रिएट करेगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पूरी सिक्वेंसली वीडियोज के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्ले स्टोर पे जाएं और जस्ट सर्च करें एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, ये आईपीटी का लोगो का आएगा, आपको एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करें, यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या है कि चैट फैसिलिटी है, आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके ऐप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा ऐप पे अवेलेबल रहूँगा आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, तो आपके सामने है। चलिए हम इसको एक विजुअल बेसिक में हम एक नया मैक्रो क्रिएट करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कुछ लोग सेलफोन से देखते हैं तो वो जो है इस कोड को देख समझ सके। हाँ, तो मैं इसको एक बार प्लस कर देता हूँ, 300% मैंने कर दिया। चलिए चले सब्जेक्ट देता हूँ, सब्जेक्ट पीपीटी स्लैश वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद इसमें हम देते हैं, अब इसमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़े। लेकिन वेरिएबल डिफाइन करने से पहले, हालांकि दो तरह से हो सकता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। ये क्रिएट ऑब्जेक्ट न्यू लर्नर के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आप क्या करें, आप चले जाएं इसके टूल्स मेनू बार में और यहाँ रेफरेंसेज आपको दिखेगा, रेफरेंसेज पे क्लिक कीजिए। और रेफरेंसेज में क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह, एक मिनट मैं जूम थोड़ा सा माइनस करता हूँ, इस तरह का आएगा आपका पॉपअप। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लाइब्रेरी को 16 पॉइंट जो भी होगा आप वर्जन उसके हिसाब से होगा, यहाँ नीचे से ढूंढ के आप टिक कर लें, ये जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, क्रिएट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन क्रिएट ऑब्जेक्ट के लिए आप अगर वीवीए प्रोग्रामिंग को जानते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन न्यू के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम न्यू पे नहीं करते। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं डिम पीपीटी एप्लीकेशन। पहले हम एक्सेल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को एक्सेल में कॉल करेंगे एज ए पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन। हमने पावर पॉइंट को कॉल कर लिया। अब पावर पॉइंट कॉल करने के बाद हम बात करेंगे उसकी प्रेजेंटेशन को कॉल करना। हमने जस्ट एप्लीकेशन को लिया है ना, जैसे एक्सेल लेते थे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं ना, उस दिन कोई स्लाइड तो क्लियर नहीं की ना हमने, तो प्रेजेंटेशन तो क्रिएट नहीं की हमने, तो पीपीटी PRES प्रेजेंटेशन का PRS कर देते हैं एज ए सेम पावर पॉइंट डॉट PRE प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्लाइड। हम पीपीटी बना लिया, हम एप्लीकेशन ले लिया, पीपीटी बना लिया, अब बात होती है स्लाइड्स की, स्लाइड बनाने की। तो चलिए इस पे हम करते हैं पीपीटी SLID स्लाइड हुआ लिख दिया हमने एज पावर पॉइंट डॉट स्लाइड, ये हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद एक इंडेक्स चाहिए होगा हमें, तो हम यहाँ पे डिम आई ले लेते हैं
आई, हाँ आई एज ए इंटीजर, ऐसे ही इस आई काम आएगा। तो हमने कर लिया, तो हमने क्या किया अभी जस्ट डिफाइन किया है, अब इसको हमें सेट करना है। तो हमने यहाँ क्या हुआ कि एक्सेल को बता दिया कि भाई पीपीटी ऐप जो है एप्लीकेशन है, पीपीटी पीपीटी प्रेस जो है प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की, पीपीटी स्लाइड जो है न्यू स्लाइड है, अब हमें क्रिएट करना है। हमने जस्ट हमने क्या किया एक्सप्लेन किया, अब हमें क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट पीपीटी ऐप इक्वल टू न्यू, हमें न्यू क्रिएट करना है, न्यू पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन। उसके बाद पीपीटी, अब यहां पे पीपीटी ऐप डॉट विजुअल, ताकि शो हो ना बैकएंड में रहेगा, विजुअल इक्वल टू ट्रू, सामने दिखेगा। बाद यहां आएगा वापस हम प्रेजेंटेशन, एकदम ये क्या किया है हमने एप्लीकेशन से क्रिएट किया है। तो यहां पे पीपीटी पी आर ई एस प्रेस इक्वल टू पीपीटी ऐप, यहां सॉरी पीपीटी ऐप ऐप डॉट प्रेजेंटेशन डॉट एड, हमने इसको ऐड कर दिया। अब आई इक्वल टू वन हम करते हैं, अब ये हो गई हमारा पीपीटी क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे, अगर मैं यहां से F5 से रन करता हूं तो आप देख रहे हैं पीपीटी आपकी जो यहां पे पीपीटी क्रिएट हो गई है, बट यहां पे अभी स्लाइड नहीं ऐड हुआ है, स्लाइड ऐड नहीं हुआ, अभी हमने प्रेजेंटेशन ही ऐड किया है, कोड के अकॉर्डिंग हमने स्लाइड ऐड नहीं किया। अब चलिए इसमें हम, अब स्लाइड हमें कितने ऐड करने हैं, जितने हमारे पास चार्ट्स हैं। तो यहाँ लगाते हैं 4CHRT चार्ट, 4 each लगाना पड़ेगा, हाँ each चार्ट इन एक्टिव Sheet डॉट, अब एक पर्टिकुलर शीट है तो आप पर्टिकुलर शीट भी ले सकते हैं, मैं शीट वन डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, अब ये शीट वन को हटा के आप यहां एक्टिव शीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे चार्ट डॉट कॉपी, हमने चार्ट को कॉपी कर दिया एक्सेल। उसके बाद हम यहाँ अब स्लाइड को क्रिएट किया नहीं, तो सबसे पहले स्लाइड करना पड़ेगा, सेट पीपीटी स्लाइड हमने ऊपर डिफाइन किया था इक्वल टू पीपीटी प्रेस डॉट स्लाइड स्लाइड्स डॉट ऐड और ब्रैकेट में हमें क्या करना है स्लाइड इंडेक्स को हम कर देंगे आई और यहां पे लेआउट। तो लेआउट क्या होना चाहिए, अलग अलग लेआउट है, मैं ब्लैंक दे देता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं पीपी लेआउट लेआउट ब्लैंक और ये देखिए एल बड़ा हो गया, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हमें पेस्ट करना है ना, तो हम यहां पे करेंगे पीपी टी
स्लाइड डॉट सैप्स डॉट पेस्ट और फिर आई इक्वल टू वन अगली आई प्लस वन और फिर नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे नेक्स्ट चार, ये हमारा बन गया। एक बार मैं इसको माइनस करता हूँ। हाँ, ये हमारी कोड आपके सामने दिख रही है, ये हमने कोड लिया। ध्यान रखिए इस कोड लिखने से पहले टूल्स में आपको रेफरेंस करना होगा, अगर नहीं तो क्या होगा, फिर हमें क्रिएट ऑब्जेक्ट वाला मेथड लेके चलना होगा। अब इसको एक बार रन करते हैं आपके सामने। ये चार्ट है हमारा, मैंने इसको यहाँ से माइक्रोज और यहाँ से रन कर दिया। रन करते ही देखिए एक नई स्लाइड खुली और इसमें इसने डाल दिया। अब बात आती है अगर मेरे पास मोर देन वन चार्ट हुआ तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक और चार्ट क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे हम सेल्स करते हैं, रैन बिटवीन लगा देते हैं रैंडम डेटा के लिए। इस पर हम लाइन चार्ट क्रिएट करना करेंगे या बार चार्ट करते हैं, बार चार्ट से हो जाएगा। इंसर्ट थ्री डी बार चार्ट, इसको भी सिलेक्ट करके इसकी लेआउट में ले लेते हैं। अब चलिए एक बार हम डेवलपर में आते हैं, माइक्रोज पे आते हैं और पीपीटी को रन करते हैं। देखा एक स्लाइड दूसरा स्लाइड, इसमें ये कोड अभी ये तो स्लाइड बना देते हैं, उसके बाद हम फाइल को सेव पीपीटी को सेव करना है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सारी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आप इसको कीजिए, अगली वीडियोज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सीक्वेंस वीडियो सारे वीडियोज के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप को ही डाउनलोड करें। तो फटाफट आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल ऐप में आप कोर्स ना भी ले फिर भी आप चैट फैसिलिटी और बहुत सारे फ्री वीडियोज मुझसे देख सकते हैं, और चैट फैसिलिटी भी है उसमें, मुझसे कुछ बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं।